स्वागत है आप सभी लोगों का तमाशा प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो लेक्चर्स में मैथ के 10 प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आपके पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस अंकगणित के पूछे जाएंगे। तो इसमें केवल आपको इस वीडियो लेक्चर्स में आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, और ये इसका जो टाइमिंग रहता है रोजाना दोपहर में 1:30 से आपके 10 प्रश्न अल्टरनेट डेज में मिलते हैं। मतलब कि एक दिन आपको 10 प्रश्न मैथ का मिलेगा, तो अगले दिन 10 प्रश्न आपके किसके मिलने वाले हैं, रीजनिंग के मिलेंगे। अगर आप पेट की तैयारी में लगे हुए हैं, रोजाना अगर 100 नंबरों का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में द मास्टर प्रकाश क्लासेस पूरा कंप्लीट 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाता है। जैसे 1:70 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1:30 पे 10 प्रश्न मैथ और 10 रीजनिंग के अल्टरनेट डेज में आते हैं। फिर 12 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछता है, दोपहर में 2 बजे 10 प्रश्न करवाया जाता है, और 2:30 पर रोजाना तालिका के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, और आपको बता दें कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिएगा, एट लास्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। यहां से हमसे कह रहा है कि x बराबर इतना, y बराबर कितना, x बराबर 5 है, y बराबर क्या है, 7 है। तो हमसे कह रहे हैं कि इतना तथा इतने का क्या बताना है, आपको मान बताना है। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 49 और 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न है, सीधा सीधा मान दिया गया है, कितना x का मान पता है, y का मान पता है, यहीं पे लाके रख दो। इसका एक तरीका और होता है, जैसे आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिएगा, x का मान कितना है भैया, 5 है, तो यहीं पे लाके रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 25 माइनस ये आपका कितना है, 14। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप ये x के स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 14 × 5 क्या हो जाता भैया, 70। ठीक, प्लस ये आपका 49 है ही, इसको ऐसे ऐसा रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, ये आपका कितना है, 6 है, माइनस में y का मान क्या है भैया, 7 है। तो यहाँ पे जैसे 7 रखेंगे, 10 के साथ गुणा कराएगा, कितना हो जाएगा भैया, 70। और यहाँ पे 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 क्या आ जाएगा, 49। कुछ लोग सोच रहे होंगे 70 से 70 काट दीजिए, 49 से 49 काट दीजिए, काम ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लीजिए, माइनस को माइनस के साथ। अच्छा, ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे क्या भैया, 25 70, और ये आपका 50 मतलब 49, नीचे आपका 25 प्लस में 70 माइनस में, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1। बातें समझ रहे हैं, ऊपर नीचे की वैल्यू आपकी क्या भैया, सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए, यहाँ से कह रहे हैं कि राम ने अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% खर्च कर देता है घर पर, और 10% अन्य, ठीक ना, अन्य चीज़ों पर वो क्या करता है, खर्च, शेष बचाता भी है। तो कह रहे हैं वेतन का कितना भाग वो बचा लेता है मेरे भाई। अच्छा, इस 20% का मतलब क्या हुआ, 20% जैसे आप 20% लिखा है, तो ये परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, ये टोटल कितना हो जाएगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5। अच्छा, इस 10% का मतलब आप बताइए, 10% का मतलब कि 1/10। बातें समझ रहे हैं ना, जैसे देखो 10% का मतलब परसेंट हजाओगे बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/10। तो अगर कहीं पे 20% लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/5, और 10% लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10। अब एक चीज़ आप हमको ये बताइए भैया, वो खर्चा कितना करता है। देखिएगा, 1/5 खर्चा करता है किस पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे। घर पर कितना खर्चा करता है, 20%। 20% का मतलब 1/5 वो घर पर खर्चा करता है, और फुटकर चीज़ों पे वो कितना खर्चा करता है, 1/10। मतलब 10% का मतलब क्या, 1/10, ये इतना वो क्या कर देता, खर्चा कर देता। मान लीजिए वो 1 यूनिट क्या करता भैया, 1 कमाता है और इतना क्या कर देता, खर्चा कर देता। तो शेष यही तो होगा आपका, कह रहा है कि वो कितना बचा लेता है। तो यहाँ से देखिएगा, जब इसका आप डिनोमिनेटर सेम करवाएंगे तो 1 माइनस, बातें समझ रहे भैया, अपान में कितना आ जाएगा, 10, ये आपका 2 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 1 होगा। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 5/10, काट दो, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ से देखिएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2, तो 3 × 3 मतलब 2 × 2, और इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 6 की पावर m इज इक्वल टू इतना है,
तो 6 की पावर m माइनस 2 आपको आंसर बताना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए भैया तो क्या करिए, देखिए यहाँ पे बेस में आपका क्या है, 6 है, बेस में क्या है 6 है, तो इसको आप 6 से भाग करा दीजिए, पूरा का पूरा 6 से ये कटेंगे ना, और ऐसे आप 6 से भाग कराएंगे, फिर जो आएगा फिर उसको आप ऐसे 6 से भाग कराएंगे, फिर आप ठीक ना, तो ये टोटल पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, तो इतना बराबर इतना क्या हो जाएगा भैया, 6 की पावर 6। यहाँ से देखिएगा 6m = ये क्या हो जाएगा भैया, 6 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, बराबर, तो इतना = क्या आ जाएगा भैया, 6। अब आपको पूछा है इसका मान पूछा है, तो यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 6 - 2 मतलब 6 की पावर 4, और ये 6 की पावर आपका 4 कितना होता है, 1296। तो 6 की पावर ठीक ना भैया, 4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1296, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे आइएगा, हमसे कह रहा है कि न्यूनतम संख्या जो इतने में जोड़ा जाए, ठीक ना, जोड़ने के बाद में जो योग आए वो 5, 6, 4 और 3 से पूरा का पूरा कट जाए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए मेरे भाई, तो 5, 4, 6 और 3 का क्या निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना भैया, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बस इसी में आप क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए, 2497 में 60 से आप क्या कराइए, भाग कराइए, तो ये देखिएगा एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना, लगभग 4 बार, 6, 6, 24, 40, ये कितना आ गया, 9, और ये आपका क्या होगा भैया, 97, अब कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 60, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये 7, और ये कितना होगा भैया आपका, 3, तो शेष कितना आ गया, 33। अब इसी में से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी संख्या इन सबसे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो देखिएगा 60 - 37 कितना आ जाएगा आपका, 23 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया आपकी, देखो पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से 6 से 4 से 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, ये इसमें भी आपको टोटल कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। आइए, नंबर सिस्टम का है, कह रहा है किसी संख्या में 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में किससे भाग कराया जाए, 29 से भाग कराएं तो शेष क्या मिलेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए भैया ना, तो ये सेकंड वाले को पकड़िए और इससे क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप भाग कराएं कितनी बार, 2 बार, ये कितना हो जाएगा, 58, कितना आ गया भैया, 5, ठीक ना भैया, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 5 इज अ राइट आंसर, 5 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजू मासिक आय का इतना बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो। मेरे भाई कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर वो बचत इतने का करता है, बचत कितने का करता है, 42% का ये क्या करता है भैया, बचत करता है, तो वो खर्च कितना करता होगा, बचत कितना करता है, 42%, तो खर्च मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो 100 - 42% अगर आप निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 58% अपने सैलरी का क्या करता है, वो खर्च करता है। तो यहाँ से देखिएगा यही तो खर्च 870 है, ठीक ना भैया, रुपए में 870 है और यहाँ पे परसेंटेज में 58 है, तो 58% बराबर किसके, 87 के, और आपसे पूछा है मासिक आय, मतलब आप मासिक आय उसके पास कितना टोटल, 100%, इसी को 100% बना लीजिए, तो 1% बराबर ये कितना हो जाएगा, 87, ये कितना बटे में 58, अबे ठीक भैया, अब दोनों तरफ क्या कराइए, 100 से गुणा करा दीजिए, इधर भी आपको 100% बनाना है इधर, तो 100% बराबर इसको पूरा का पूरा अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक ना भैया, ये कितना आ जाएगा, 1500, ठीक ना, उस व्यक्ति की जो आय थी कितनी थी भैया, 1500 रुपया वह कमाता था, ठीक ना, मासिक आय कितनी थी, 1500 रुपया थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और 3 संख्याओं का औसत कितना भैया, 3, तो आपको बताना है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको बेहद आसानी से आपको पता है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, तो इन संख्याओं का अगर आप योग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो योग कितना आ जाएगा, 16। इसी तरीके से 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए बी सी और ये क्या भैया ई,
इन तीन का अगर आप औसत निकालेंगे कितना है, 3 है, तो इन तीन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बोलो, 3 3 9, अब टोटल कितने हो गए 5, तो कितना हो जाएगा योग बटा संख्या, संख्या कितनी 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितने हो गए ये 25 होगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे काट दो, औसत बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 5। बेहद आसान था, ऐसे आप मुजबानी लगा सकते हैं। कह रहा दशमलव के शुद्ध 3 अंक तक आपको इसका मान बताना, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए मेरे भाई तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये √32 को आप ये लिख सकते हैं क्या, 8 चौक 32, तो इसको आप 4 × 2, हाँ इसको क्या 16 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या 64 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या 25 × 2 लिख सकते हैं, बोलो। ये हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, क्या इतना आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4√2, यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 8√2, ये कितना हो जाएगा भैया 5√2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 9√2, माइनस में 8√2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2√। आपको बहुत अच्छे से पता है √2 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है भैया 1.41, बातें समझ रहे हैं, 1.41 आपका किसका वैल्यू होता है, √2 की, ठीक ना, 4.14, ये 4.14 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न, आइए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये भी आपका बेहद आसान है भैया, कुछ मत करिएगा, ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं अपान में जो है, इन्हीं का आप ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि इनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 8 भैया 7, इसको 7 × 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 5 चौक 20, 6 5 30 और 7 6 42। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो बस इनको ऐसे आप तोड़ लीजिए, बातें समझ रहे हैं, ये तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे जैसे एक हम यहाँ पे बता दें, इतने को क्या आप ये लिख सकते हैं क्या, 4 − 1/5, ये देखो इसका गुणा इसके पास इसका, इन दोनों का आपस में कराएंगे तो मतलब 1/ कहीं पे 20 लिखा है तो उसको 1/4 − 1/5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिएगा 1/4 − 1/5, ऐसे इस वाले को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 − 1/6, ऐसे जब इस वाले को तोड़ेंगे, बातें समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/6 − 1/7, और ये प्रोसेस आपका चलता आएगा, यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा भैया 1/9 − 1/10, ये पहला प्लस। अब इसमें देखिएगा काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी कट जाएंगी, जैसे ही कटेंगी आपका काम आसान हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ठीक ना, इसी तरीके से भी, तो बचा कौन 1/4 − 1/10, तिरछा गुणा करा दीजिए, यहाँ से देखिएगा 10 − 4/2 आपका कितना हो जाएगा 40, ऊपर कितना आ जाएगा भैया 6/40, काटो ये 3 और ये 20, तो 3/ आपका क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जब भी ऐसे आपके पास प्रश्न आए, ठीक ना भैया, तो आप आराम से इंडिविजुअल में ऐसे डिवाइड करके और उसको क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है, अगर गलत मतलब नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़ तो भी आप बताइएगा, अगले वीडियो में समझाने का और अच्छे से प्रयास किया जाएगा। बाकी हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी 1% डाउट हुआ होगा, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल्स में चल रही हैं, प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी नहीं पढ़े हैं तो RD शर्मा मतलब SD यादव की जो मैथ की बुक है वो इसी चैनल पे पूरा का पूरा सॉल्व कराया जा रहा है, तो वहाँ पे आप डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे कल इसी समय दोपहर 1:30 पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।